हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन लेकर के हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो है परिचालकों की बम्पर भर्ती आने वाली है। दोस्तों ये कुंभ मेले, जी हाँ कुंभ मेला जो आपका फरवरी जनवरी में लगने वाला है इलाहाबाद, इसको दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए सरकार जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है परिचालकों की भर्ती करने जा रही है। मित्रों ये आपका अक्टूबर लास्ट से जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी मित्रों, और दिसंबर तक, जी हाँ दिसंबर तक जो है आपका जो है ये अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आप तुम्हारे जिन अभ्यर्थियों को रोडवेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं परिचालक के रूप में, वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए लिखित परीक्षा होगी मित्रों, और इसकी योग्यता जो सब कुछ भी है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप निश्चित ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, कितनी वैकेंसियां हैं, किन किन रीजन में इसका जो है सिलेक्शन होगा, और प्रक्रिया ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और योग्यता क्या है, और एज बाउंडेशन क्या है, और सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या है, पूरा पूरा खबर हम इस वीडियो में लेंगे मित्रों। तो ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम मैं चाहूँगा हमारे चैनल पर जो हमारे मित्र पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आपके जॉब से संबंधित हों स्टेट या सेंट्रल लेवल के, आप तक हम आसानी से पहुंचा सकें। तो ठीक है मित्रों, तो ठीक है बिना नुकसान किए हुए समय का सीधे हम बढ़ देते हैं सूचना की तरफ, देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश रोडवेज में परिचालक की आने वाली हैं। ठीक है ना, तो ठीक है सीधे हम बढ़ देते हैं, देख लेते हैं सूचना पूरी पूरी मित्रों। ये देख सकते हैं मित्रों आप, उत्तर प्रदेश रोडवेज में 36, जी हाँ सॉरी 3060 संविदा परिचालकों की भर्ती होगी। जी हाँ मित्रों, रोडवेज में 3060 संविदा परिचालकों की भर्ती होगी। पूरी पूरी खबर ले लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, रोडवेज में संविदा पर परिचालकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन निगम प्रशासन ने 3060 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। प्रदेश भर में ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। इसके लिए प्रदेश के 17 क्षेत्रों को चुना गया है, जहां आवेदक अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। हर क्षेत्रों में खाली पदों पर आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये आपकी जो आवेदन प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। देख सकते हैं इधर, परिवहन निगम प्रधान प्रबंधक कार्मिक की ओर से जारी आदेश में बढ़ते बस बेड़े की वजह की संविदा प्रचार की भर्ती शुरू की जा रही है। दूसरी ओर कुंभ मेले में, जी हाँ कुंभ मेले में आ रही 1500 नई बसों में, जी हाँ कुंभ मेले में आ रही 1500 नई बसों में कंडक्टरों की जरूरत को देखते हुए दिसंबर माह तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ दिसंबर माह तक भर्ती प्रक्रिया ये पूरी कर ली जाएगी। जिन जिन क्षेत्रों में खाली पदों के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई है, आवेदक किसी भी क्षेत्रों में अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवेदक अपने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, जी हाँ अपने रोडवेज के एआरएम अथवा परिवहन निगम की वेबसाइट पर जाकर के भर्ती के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। देख सकते हैं आप, इंटरमीडिएट होगी शैक्षिक योग्यता। जी हाँ, संविदा पर कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदकों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपके पास भूतपूर्व सैनिक हो, या एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो आपके पास, या आईटीआई हो, या कंप्यूटर ए ओ लेवल डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट और शैक्षिक योग्यता, इसके अलावा भी भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी बी प्रमाण पत्र, या आईटीआई हो, या ओ लेवल या ए लेवल हो, ठीक है ना, डिप्लोमा आपके पास। आवेदकों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, आवेदक जो होंगे उनकी आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही SC ST नियमानुसार आयु में, सॉरी आयु में छूट मिलेगी। जो हमारे SC और ST कैंडिडेट हैं उनको नियमानुसार, जो भी आप जानते होंगे 4 साल 5 साल या 10 साल का होता है नियम में छूट अदर कैंडिडेट के अपेक्षा, तो उनको छूट भी ये एज में मिलेगी। और देख लेते हैं दोस्तों हम किन किन रीजन में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये खाली पद ये है परिचालक की, इसको भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। ये देख सकते हैं मित्रों आप, क्षेत्रों के नाम, खाली पद, गाजियाबाद में 464 पद, हरदोई में 54 पद, अलीगढ़ डिपो में 153, मुरादाबाद रीजन में 187, और देवीपाटन जो है रीजन में 196, गोरखपुर रीजन में 310, झांसी रीजन में 92, इलाहाबाद में 103, और नोएडा रीजन में 342, बरेली रीजन में 267, और आगरा रीजन में 93, इटावा रीजन में
185 एंड कानपुर रीजन में 199, चित्रकूट धाम बांदा रीजन में 104 और फैजाबाद रीजन में 87, आजमगढ़ रीजन में जो है आपका 113। ये टोटल 3060 पद हैं जो परिवहन निगम में संविदा पर प्रचालकों की भर्ती के संबंध में है मित्रों। तो ये मान चलिए आप अक्टूबर लास्ट तक ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरने की। और जैसा कि कार्मिक जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं रोडवेज, वो उन्होंने बताया है कि दिसंबर तक की प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि कुंभ मेले को देखते हुए सरकार इसका इस पर काफ़ी ध्यान है। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही इस विषय में काफ़ी संयमित हैं और इस पे खुद ही इस मामले को अपना पूरा पूरा संज्ञान में रखते हैं कुंभ मेले को। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी के साथ होगी मित्रों। तो ठीक है, ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन मित्रों को अगर इस परिवहन निगम में परिचालक पद के रूप में सेवा देनी है तो ये इसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना मित्रों? तो ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।